परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी आरोपी बच्ची से खेलने के बहाने छत पर ले गया और घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए लेडी लॉयल हॉस्पिटल भिजवा दिया है। वहीं पुलिस मासूम के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर फरार आरोपी पर कार्रवाई की बात कर रही है। औरैया के दिव्यापुर की रहने वाली 14 साल की छात्रा नेहा कुशवाहा ने शिक्षक मनीष कुमार के मार्गदर्शन में 3 साल पौधारोपण मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत अब तक 1757 पौधे रोपित किए गए। नेहा ने बताया कि कथा भागवत जन्म या जन्मदिन शादी विवाह के अवसर पर भी हम उन्हें पौधा भेंट करते हैं। जिले भर में सर्वे किया, लोगों को गांव-गांव जाकर के समझाया और अब तक हम 1757 पौधे रोपित कर चुके हैं। मुझे कोई शुभ अवसर या कोई अशुभ अवसर पर बुलाता है तो मैं वहां पे उन्हें पौधे देती हूं और फिर रोपित करवाती हूं। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक पुलिस चौकी के पास से प्रतिबंधित मास्क मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले के बाद बड़ौद नगर पालिका चेयरमैन अमित राणा और भाजपा जिला अध्यक्ष संजय खोखर भी मौके पर पहुंच गए। बड़ौद नगर पालिका चेयरमैन अमित राणा ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इलाके में अवैध रूप से मीट की दुकान चल रही है, जिसे बंद कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बांदा में पिछले 50 दिनों से चल रहा बुंदेलखंड किसान यूनियन का आंदोलन आज खत्म हो गया। सिंचाई व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह व तिंदवाड़ी विधायक ब्रजेश प्रजापति के सहयोग से किसानों की समस्याओं को 15 दिनों के अंदर निराकरण की बात कही। किसानों को आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। इसके बाद आज प्रभारी मंत्री धर्मपाल द्वारा किसान नेता विमल शर्मा व अन्य किसानों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया गया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बस्ती पहुंचे। दुबौलिया ब्लॉक के पूरे ओरी राय गांव में पूर्व नियोजित कार्यक्रम में मंत्री की चौपाल भी लगाई गई। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और पेंशनधारियों को चेक सौंपा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक दिन पहले आग की चपेट में अपना सब कुछ खो चुके कठौती गांव के ग्रामीणों को राहत चेक वितरित किया। इस दौरान यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का महाभियोग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि राम मंदिर के मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज करे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि फैसला हाई कोर्ट के समान ही आएगा, इसलिए वे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आए। फिरोजाबाद में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक की मौत हो गई, पूरे घर की छत उड़ गई। लोगों का कहना है कि इसी गांव में पहले भी कई बार विस्फोट हो चुके हैं। ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि यहां पर पटाखे बनाते समय विस्फोट हो गया है, एक की मौत हो गई है, अब इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि शादी बारात में इस्तेमाल होने के लिए पटाखा बनाते थे, लेकिन इनके पास आग से बचाव की सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे।